आज से 28 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन का आदेश दिया था। वो स्पेशल ऑपरेशन अब महायुद्ध में बदल चुका है, जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ दिख रहा है तो यूक्रेन के तबाह शहर, जहां मौत का सन्नाटा है और दर्दनाक चीखें। मारियोपोल है, जिसे रूसी हमलों ने मटिया मेट कर दिया, मरघट में तब्दील कर दिया। जंग के 28वें दिन यहाँ के इलाके पर कितना भीषण हमला हुआ है, इसकी वानगी देखिए। станом на цей день у місті перебувають близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим. Попри всі складнощі, за сьогодні все ж таки вдалося врятувати 7026 маріупольців. Завтра продовжимо цю важливу роботу. Наші представники намагаються домовитись про гуманітарні коридори ще й у Київській, у Харківській, Запорізькій, у Луганській областях. इस युद्ध में कुछ भी नहीं बदला है, ना आक्रमण की धार धीमी हुई है, ना पलटवार धीमा हुआ है। इस जंग में हर रोज तबाही का दायरा बढ़ रहा है। कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। यूक्रेन में जारी जंग का ये बिल्कुल नया वीडियो है। इस वीडियो में ना रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं और ना यूक्रेनी फौज के जवान। इस वीडियो में फौजी पोशाक में ताबड़तोड़ हमला करते जो लोग नजर आ रहे हैं, वो चेचन लड़ाके हैं। ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव के पास चल रही जंग का है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद चेचन लड़ाके दोहरी भूमिका में हैं। चेचन लड़ाकों का एक बड़ा धड़ा भाड़े पर रूस के साथ यूक्रेन पर बम और बारूद बरसा रहा है, लेकिन ये वीडियो चेचन लड़ाकों के शेख मंसूर दस्ते का है। कहा जाता है कि शेख मंसूर दस्ते के चेचन लड़ाके रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। ये वीडियो क्रीमिया के सेवस्तोपोल का है। काला सागर का ये महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस सेवस्तोपोल का इस्तेमाल यूक्रेन पर मिसाइल बरसाने में कर रहा है। ये तस्वीर रूस के क्रूज मिसाइल हमले की है। रूस यहाँ से यूक्रेन के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहा है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।